बालासोट में वनपाल का दफ्तर या मैखाना, वनपाल के दफ्तर में मिला शराब की बोतलों का भंडार। फॉरेस्ट अशोक कुमार वर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिला वन अधिकारी ने पूरे मामले में मौन साध लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लालसोट में वनपाल का दफ्तर या मैखाना। इससे पहले भी राजस्थान के अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं और अब वनपाल के दफ्तर के बाहर बोतलें मिली है, शराब की बोतलें मिली है, विभाग के कर्मचारी और खनन माफिया की मिली भगत बताया जा रहा है। फॉरेस्ट अशोक कुमार वर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला वन अधिकारी ने पूरे मामले में मौन साध लिया है। आपको बता दें कि एक पहले भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि शराब की बोतलें कैसे वनपाल दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वनपाल दफ्तर के बाहर एक बार फिर से शराब की बोतलें मिली हैं। तो विभाग के कर्मचारी और खनन माफिया सजाते हैं महफिल। फॉरेस्टर अशोक वर्मा ने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिला वन अधिकारी ने पूरे मामले पर फिलहाल मौन साध लिया है। कोई कुछ भी इस मामले पर बोलने से स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन लालसोट में वनपाल का दफ्तर है या फिर मैखाना, ये बहुत मुश्किल हो गया है पता लगाना, क्योंकि वनपाल दफ्तर के बाहर जिस तरीके से शराब की बोतलें मिली हैं, कम से कम इन शराब की बोतलों को देखकर कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि ये वनपाल का दफ्तर है। तो फॉरेस्टर अशोक कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला वन अधिकारी इस पूरे मामले पर मौन साध चुके हैं, जिनकी जवाबदेही है इस पूरे मामले पर, उन्होंने मौन साध लिया है। उनका कुछ भी बयान अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है और ना ही वो सफाई देते हुए सामने आए हैं। तो वनपाल के दफ्तर के बाहर शराब की बोतलें मिली हैं और इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था अशोक कुमार वर्मा का ही, जहां पर उनके दफ्तर के बाहर शराब की बोतलें मिली थी। स्थानीय लोगों ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, जिसके बाद परिणाम ये कि एक बार फिर से शराब की इतनी बोतलें मिली हैं। तो वनपाल के दफ्तर के बाहर शराब की बोतलों का भंडार देखने को मिला है। क्षेत्रीय वन अधिकारी है दरअसल ये, जिनके दफ्तर के बाहर शराब की बोतलें मिली हैं, और शराब की बोतलों से कम से कम ये कोई नहीं कह पा रहा कि ये वन अधिकारी का दफ्तर है, लेकिन हाँ मैखाना जरूर इसको बताया जा रहा है। देखिए प्रशासन की कैसी लापरवाही है कि अगर एक बार वीडियो वायरल हो जाती है किसी भी जिला अधिकारी की या किसी भी वन अधिकारी की, तो प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा रहता है और उस मूक दर्शन का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो ये कि हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले या कोई भी ऐसी चीजें सामने आने से पहले दो बार कोई भी नहीं सोचता, और वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, दरअसल उसमें मरम्मत की इतनी जरूरत है। अगर ऐसी कोई तस्वीरें सामने निकल कर आती भी हैं तो भी कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता, तो हौसले और ज्यादा बुलंद, और उसके बाद परिणाम यही कि एक बार वीडियो वायरल होने के बाद दूसरी बार अगर तस्वीरें निकल कर आती हैं तो अब भी ये कोई नहीं कह सकता कि अब भी प्रशासन कोई कार्रवाई करे ना करे। तो आपको बता दें कि वन अधिकारी का ये दफ्तर आसपास रिहायशी इलाका है, आसपास लोग रहते हैं, और रात में अगर यहाँ पर महफिल सजाई जाती है तो जरा सोचिए आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरा ये होगा, कितनी असुरक्षित महिलाएं यहाँ पर महसूस करती होंगी, बच्चियां कितनी असुरक्षित महसूस करती होंगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए महेश बोरा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। महेश, वनपाल के दफ्तर के बाहर शराब की बोतलें मिली है, मेरी जानकारी के अनुसार एक बार पहले भी वीडियो वायरल हो चुकी है वन अधिकारी की, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो रिजल्ट ये सामने निकल कर आया कि एक बार और तस्वीरें वायरल हो गई। अब भी कोई कार्रवाई प्रशासन करेगा या सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा? महेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तकनीकी खामियों की वजह से महेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी वन अधिकारी की वीडियो वायरल हो चुकी है,
वीडियो वायरल हो चुकी है और वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन जो मूक दर्शक बैठा है, मूक दर्शक बन के बैठा है, उसका परिणाम आपके सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ महेश जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। महेश, विभाग के कर्मचारी और खनन माफिया यहाँ पर महफिल से जाते थे, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर कितने असुरक्षित महसूस करते थे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मेरे जानकारी के अनुसार इससे पहले भी वीडियो वायरल हो चुकी है वन अधिकारी की, बावजूद इसकी अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? महेश को दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्टर अशोक कुमार वर्मा पर जो ये गंभीर आरोप लगे हैं, दरअसल ये सिर्फ आरोप में ही तब्दील है क्योंकि कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, एक बार वीडियो वायरल हो जाता है लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब दूसरी बार जब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसके बाद भी प्रशासन के अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देते, वन अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देते, चुप्पी साध लेते हैं। तो अब क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्थानीय लोग तो सिर्फ अपने स्तर पर आवाज उठा सकते हैं। दरअसल जब तक स्थानीय लोगों को कोई किसी भी बड़ी पहुंच के अधिकारी का साथ नहीं मिलता तब तक उसकी आवाज बुलंद नहीं हो पाती है, और यही हाल यहां पर है क्योंकि स्थानीय लोगों ने कई बार आवाज उठा चुकी है, कई बार ये कहा जा चुका है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े अधिकारियों से उन लोगों ने जवाब तलब किया था, बड़े अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। दरअसल यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आती हैं। पहली तो ये, क्या किसी भी पद पर अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है, उसको ये चीजें शोभा देती है? कोई भी पद पर अगर कोई भी दफ्तर के बाहर ऐसी शराब की बोतलें मिलती हैं तो क्या वो दफ्तर कितना सेफ है और कितना नहीं है, ये भी और हमारे साथ महेश जुड़ गए हैं, पहले महेश का रुख करेंगे। महेश, क्या कुछ कार्रवाई अब प्रशासन करेगा क्योंकि एक बार और वीडियो वायरल हो चुकी है, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अब क्या कोई कार्रवाई होगी या अभी भी सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए कल एक मृत बंदर का पोस्टमार्टम के दौरान वन विभाग कार्यालय में उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, उस समय जब एक पास में एक वन रक्षक के कमरे में खाली बोतलों, जो शराब की खाली बोतलें हैं उनका भंडार मिला था, उसको देखकर वहां एक मतलब माहौल ऐसा हो गया कि यहाँ एक तो कोई शराब माफिया रहता है या फिर कोई और संदिग्ध गतिविधियां रहती है जिसके कारण इस कमरे में शराब की कम से कम 800 से 1000 खाली बोतलें मिली है। उसको लेकर हमने उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन महेश, पल्ला झाड़ने से कब तक काम चलेगा? एक बार वीडियो वायरल हो गया, दूसरी बार तस्वीरें वायरल हो गई और अभी भी सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन की तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर कोई घटना हो जाती है शराब के नशे में या कैसे भी, तो फिर इसकी जवाबदेही कौन करेगा, कौन तय करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिली है कि यहाँ रोज हर रोज जो अपने वन विभाग के कुछ कर्मचारी और जो माफिया है वो शाम को बैठकर शराब पार्टियां करते थे, उसके बावजूद भी एक बार पहले भी दौसा जिले में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वन विभाग के कार्मिक शराब पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस मामले में अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।